नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। नई गाइडलाइंस पर धार्मिक कार्यक्रम में 5 व्यक्ति, मृत्यु अंत्येष्टि में 20 व्यक्ति, शादी समारोह में 20 व्यक्ति शामिल होंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर 188 की कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए तय की गई गाइडलाइन के मुताबिक मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों के परिपालन में जिले के अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण कर कार्रवाई की जा रही है। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा व्यापक रूप से कार्रवाई कर नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना किया जा रहा है। इस सिलसिले में तेंदुखेड़ा में राजस्व विभाग, नगरीय निकाय और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आज निरीक्षण कर कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए तय की गई गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले 43 लोगों के खिलाफ 4,660 रुपये का जुर्माना किया गया। वहीं तेंदुखेड़ा SGM RS राजपूत एवं नगर परिषद CMO धर्मेंद्र शर्मा ने निर्देश जारी किए हैं कि अगर दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता है, नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, तो उन दुकानों को सील किया जाए। संयुक्त टीम में तेंदुखेड़ा में पुराना बस स्टैंड से मंडी, तिगड्डा, गाडरवारा रोड तहसील के सामने विभिन्न दुकानों प्रतिष्ठानों का प्रशिक्षण किया गया का निरीक्षण किया गया। संयुक्त टीम ने आम नागरिकों को निःशुल्क फेस मास्क का वितरण किया। इस टीम के सदस्यों ने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए शासन की गाइडलाइन का पालन करने की समझाइश दी। इस मौके पर SGM RS राजपूत, SGOP मोहंती मरावी, थाना प्रभारी राजेंद्र बागरी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी धर्मेंद्र शर्मा और संबंधित विभागों का अमला मौजूद था। 16 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। नगर परिषद तेंदुखेड़ा में देखा जा रहा है, साप्ताहिक बाजार में देखा जा रहा है। सर, भीड़ बहुत ज्यादा दिख रही, सोशल डिस्टेंस का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। सर, किस टाइप से कार्रवाई होगी? नगर परिषद क्षेत्र में जब से अपने लॉकडाउन को खुला है, तो उसके बाद निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। साथ ही हम अनाउंसमेंट करवाते हैं ताकि दुकानदार और ग्राहक दोनों ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने मास्क को सही तरीके से लगाएं। इसके लिए हमने कई बार चालानी कार्रवाई भी की है। लगभग बस टोटल किया जाए तो लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये तक अभी तक जुर्माना वसूला गया है और साथ में उनको मास्क वितरित भी किया जाता है ताकि आगे से वो मास्क पहन के बाजार में आए। फिर भी सर लोग मान नहीं रहे हैं, इसके अगर नहीं मानते तो क्या कार्रवाई होगी? अगर लोग जनता है या कोई दुकानदार का इसका पालन नहीं करते, बार बार उल्लंघन करते हैं, तो हम जुर्माने की राशि बढ़ाएंगे, साथ ही स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे। और मेरी SGM साहब से बात भी हुई है इस संबंध में, तो उन्होंने बताया है कि दुकान को हम सील करने की कार्रवाई भी करेंगे अगर ऐसा पाया जाता है। इसको लेके लगातार पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है नरसिंहपुर जिले में, तेंदुखेड़ा तहसील में किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, क्या है कि नरसिंहपुर अकेले की बात नहीं है, ये लगभग सब जगह है, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में। चूँकि लॉकडाउन खुला हुआ है, लोगों का आवागमन यहाँ वहाँ चल रहा है, तो वही कैरियर बन रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन 2-3 संस्थाओं को बनाया है, तो जो बाहर से आते हैं स्ट्रिक्टली अपन उनको वहाँ रोक रहे हैं। अब रही बात इसकी कि जो फ्रीली लोग घूम रहे हैं, तो इसके लिए हम बराबर सतत पुलिस और रेवेन्यू की टीम मिल करके और इनके खिलाफ कार्रवाई हम करते रहते हैं। जो दुकानदार हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके सामने जो ग्राहक आते हैं सामान लेने के लिए, अगर वो मास्क नहीं लगाए हैं तो उन पर भी जुर्माना कर रहे हैं। हर स्तर पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तरह अपन ने अनाउंस भी करवाया कल की जो सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम है, उनमें 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध है। तो 5 लोग ही या इससे कम वहाँ रहें और अपने कार्यक्रम करें। इसी तरह शादी में भी अब पहले 50 लोगों का था, अब 10-10 लोगों का, टोटल 20 लोगों का कर दिया है। इसी तरह दाह संस्कार में 20 लोगों का कर दिया है। तो अब उन सब नियमों को, उन जो नए नए निर्देश आए हैं, उनके संबंध में अपन स्ट्रिक्टली पालन करवा रहे हैं। दुकानदारों के यहाँ जरूर अपन को कुछ समस्याएं मिल रही हैं बार बार कहने के बावजूद भी, वो सोशल डिस्टेंसिंग और जो प्रिकॉशनरी मेजर हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं। तो अब आने वाले समय में हम उनकी दुकानें सील करेंगे और 188 की कार्रवाई भी करेंगे।